पाक अरब सोसाइटी स्कैंडल में गिरफ्तार अमान अहमद खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने डीजी नैब लाहौर को नोटिस जारी करके 20 नवंबर को जवाब तलब कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमर शाकिर से। जी उमर, समाअत के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, पाक अरब हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है और अदालत ने अमान अहमद की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर कार्रवाई करते हुए डीजी नैब लाहौर को नोटिस जारी किए हैं और उनसे 20 नवंबर तक तहरीरी वजाहत तलब की है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजरी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने अमार अहमद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। इसमें मौकफ यह अख्तियार किया गया कि डीजी नैब लाहौर को जितने भी शिकायत कुनिंदा हैं उनके अजाले के लिए पूरा करने के लिए दरख्वास्त दी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त मौसूल होने के बाद ही मुलजिम को जिस्मानी रिमांड से जो है वो दूसरे रिमांड पर मुंतकिल किया गया, लेकिन अभी तक जो है वो मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मंजूर नहीं हो सकती। वकील ने अदालत से इस्तदआ की कि अदालत इस केस में गिरफ्तार मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मंजूर करे, क्योंकि मुलजिम जो है वो रजामंद है कि जितने भी शिकायत कुनिंदा हैं उनका क्लेम अदा कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद दरख्वास्त जमानत मंजूर नहीं की जा रही। अदालत ने दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए डीजी नैब लाहौर को नोटिस जारी किए हैं और उनसे तहरीरी वजाहत तलब की है। ठीक है।